हाँ जी चल रहे फिर चल रहे हो छोटा सीन भी पाई दवांगे हुण यार छोड़ो पर मुझे जो तू कहता मैं कहता मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाओ के दोस्तों नु कहो सारे नु चलो ठीक है हो गया जो तू कहता मैं कहता मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाओ के दोस्तों नु कहो सारे नु चलो ठीक है हो गया। तो दोस्तों ये टकराल साहब थे जो कि खुद ही आए थे अपनी गाड़ी के इस सिलसिले में, तो चैनल सब्सक्राइब करने को कहा था मैंने, तो और कुछ नहीं। बाकी करते हैं बात दोस्तों गाड़ी के बारे में, कौन कौन सी गाड़ी है हमारे पास। ये जहाँ है वहाँ सब कामयाब है। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सक्कू मुजफ्फरनगर से। दोस्तों आज जो मतलब हमारे पास गाड़ी आई हुई है अशोक लीलैंड कंपनी का जो है 16 चक्का है दोस्तों, और 4825 HU है दोस्तों। और इसका भी दोस्तों वही समस्या है दोस्तों, इसमें मैंने बताया था इसमें टायर गड्ढे डालती है, जो मैं आपकी वीडियो में दिखाऊंगा आगे दोस्तों आपको। तो टायर जो है उसमें गड्ढे भी पड़े हुए हैं और गाड़ी टायर भी दबा रही है। शिकायत है दोस्तों गाड़ी ओनर के तरफ से दोस्तों, कि गाड़ी का ओनर खुद ही यहाँ चल कर आ गया है इस गाड़ी को दिखाने के लिए। जो दोस्तों काफ़ी हमारे ताल्लुक जो है पुराने थे इनसे, तो खैर हमारे पास आते रहते हैं ये अपनी गाड़ियों का काम करने के लिए। तो दोस्तों इन्होंने 5 गाड़ियां जो है नई ली हैं, जिसमें से मुझे पता लगा है कि एक दो गाड़ी है अशोक लीलैंड की अभी जो पता लगा है, 2 गाड़ियां जो हमारे पास पहले आई थी वो टाटा कंपनी की थी, और एक हो टाटा कंपनी की जो आज आ चुकी है दोस्तों हमारे पास। तो दोस्तों इस गाड़ी में क्या दिक्कत है दोस्तों, इस गाड़ी में डंडे जो है टायर खा रही है, और जो कि हम टायर खाने की वजह से दोस्तों क्या हो रहा है इसमें अंदर से जो गड्ढे पड़ रहे हैं टायरों में, तो वो समस्या कर रहे हैं कस्टमर को, क्योंकि टायर बहुत महंगा है दोस्तों, काफ़ी महंगा होने की वजह से टायर, तो उसे जो है मतलब ड्राइवर जो है मालिक है परेशान है इस चीज़ से। तो दोस्तों इस गाड़ी में भी वही कमी है जो ठगराल जो कंपनी की गाड़ियां थी पहले वाली जो 2 आई थी उनमें भी यही सेम प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो हमने भी उसमें इसी सेम यही काम किया है दोस्तों, और उसके अंदर हमने डंडों में दाब दी थी और इसमें भी डंडों में हम दाब दे रहे हैं। ट्यूब का दोस्तों अभी देखेंगे, क्योंकि ट्यूब का हमें फॉल्ट लग नहीं रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर नई गाड़ी का सिस्टम खोलना पड़े, तो बाकी जो है खोलने के बाद ही पता लग पाएगा दोस्तों। तो जैसे कि अब देख सकते हैं कि हमने इसे डंडे वगैरह दबाने हैं, तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, देखते हैं आगे हम इस काम को अंजाम देंगे। तो दोस्तों डंडे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों डंडा पहले चेक करना पड़ता था दोस्तों, क्योंकि डंडे में दाब है नहीं है, मतलब दाब नहीं दोस्तों क्या है उल्टा भी हो जाता ना डंडा, ये चेक करना होता और कुछ नहीं है। दाब कहाँ से आएगी, नई कंपनी टाटा कंपनी की दाब थोड़ी देगी, अगर दाब देंगे देने लगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर ये भी तो चेक करें दोस्तों। तो डंडे में जो कि चेक किया गया है स्टैंडर्ड है, मतलब उल्टा उल्टा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मतलब जैसे डंडा बिल्कुल सीधा आता है कंपनी से वैसा का वैसा ही है। तो बस वही है इसमें दोस्तों, अब दाब देंगे तो बने रहे वीडियो के साथ, देखें किस तरीके से इसमें दाब वगैरह का काम होता है।
दोस्तों डंडे में दे दिए दाब, मैं अब आपको दिखाता हूँ रेट। दोस्तों जो 48-25 अशोक लैंड का जो टायर है उनमें जो गड्ढे पड़ रहे हैं वो आप देख सकते हो दोस्तों, जिस वजह से मालिक बहुत परेशान था। और ये जो टायर है उसका ट्यूब का है और ये वाला है पीछे डंडे का, जो कि आप देख सकते हैं कैसे इसमें मतलब ऐसे लग रहा जैसे प्रेस कर दी गई हो या सीमेंट जैसे लगा के सीधा कर दिया गया हो या इसमें यहाँ से कटिंग करके ग्राइंडर मार दिया गया हो, ऐसे मतलब महसूस हो रहा है दोस्तों उसमें। तो ये कमी थी जो मैंने आपको दिखानी थी टायरों के अंदर, जो कि उस गाड़ी का डंडा भी खोलेगा दोस्तों, उसे हम दबाएंगे। और सबसे पहले अब ये दोस्तों ये वाला डंडा जो है हमने दबा दिया है इसमें, और ये डंडा उसका है 48-30 का, जो कि 16 चक्की है उसका पीछे वाला डंडा है दोस्तों, वो हम इसे खोला है, हमने दाब दी है जो कि आपने वीडियो में देखा है दोस्तों। अब जो है इसके बाद अशोक लीलैंड 48-25 एचयू का जो डंडा है दोस्तों वो खुल रहा है, और जितने में हम डंडे को यहाँ फिट करेंगे दोस्तों इतने में वो खुलकर अंदर हाइड्रोलिक प्रेस पे पहुँच जाएगा, फिर हम देंगे उसमें भी दाब। और दोस्तों उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि एक बहुत ही अलग चीज़ है, शायद कुछ भाइयों को पता हो और कुछ भाइयों को ना भी पता हो। तो दोस्तों उसमें क्या है वो चीज़ मैं आपकी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि उसमें यही चीज़ है दोस्तों, ये टिक्की, ये नीचे की तरफ जो डंडे के अंदर है टिक्की आ रखी है। ये किन किन भाइयों ने देखी है दोस्तों, जिन जिन भाइयों ने देखी है वो जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं दोस्तों कि ये पुरानी गाड़ी में किसी में आई है नहीं आई। अगर आई है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन करके बताना दोस्तों। और जिन भाइयों को पता है, खैर वो तो उन्हें पता ही है, उन्हें क्या फ़ायदा, उन्हें तो पता ही है। अब जिसे नहीं पता मैं उन्हें दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब ये देख सकते हैं आप, ये डंडे में हमने दे दी दाब इधर की तरफ, अब पड़ली तरफ उधर दाब बजेगी, तो दोनों तरफ दाब देंगे और ये काम को अंजाम हो जाएगा। इसकी दूसरी कह रहा हूँ पाँचवीं गाड़ी भी आनी है दोस्तों, उसका भी देखता हूँ मैं, उसका वीडियो बना के आपको शो करूँगा, उसमें भी यही फॉल्ट होगा। बाकी दोस्तों गाड़ी आने पे ही पता लग पाएगा, बाकी कमी तो ट्यूब और डंडे की हो सकती है, बाकी गाड़ी आ जाए तभी हम देख लेंगे। फिलहाल देखते हैं दोस्तों बाहर क्या कंडीशन है, डंडा उन्होंने फिट कर दिया है, रकाबे देखते हैं क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे नहीं कर रहे। जान दिखा जान, राल साहब को पता लगना चाहिए तुमने गाड़ी में काम किया है, बॉडी दिखा अपनी बॉडी। जान वान तो है ही नहीं, वैसे देखा जाए तो रुक जा बनना लगा है भी बनना भाई। जान तो इनको मैं खत्म हो गया है, गन्ने के खेत में खत्म हो गया जान, तो जान गन्ने के खेत में खत्म हो जा मुलाई, ये कह रहा है कि जान दो ना गन्नों के खेत में खत्म हो जा, गन्नों के खेत में खत्म हो जा जान। हाँ ये गन्ने खेत में कहने जा रहे हो, मालूम है बीच पर खेलने जा रहे हैं, बीच पर खेलने जा रहे हैं गन्ने खेत में। चलो मैंने तो नॉर्मल कहा उसे कि भी जान मतलब रकाबे टाइट हो जाएंगी, जोर लगा के दिखाऊ, तो वैसे अपने मजाक में ले गए सब बात। चलो ये तो मजाक करते रहते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जो डंडा है हो चुका है, अब ये कर रहे हैं फिट 48-25 अशोक लैंड कंपनी का, जो सामने देख सकते हैं हम गाड़ी में से खुला हुआ है, और ये वहीं लेकर जाना है दोस्तों और डंडे को असेंबल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो डंडे का काम था वो हमने कर दिया है फाइनल, और इसके अंदर जो कमी थी
वही सेम कमी थी, वही दाब देने वाली। दोस्तों इसमें और कोई कमी नहीं है क्योंकि गाड़ी जो है नई है इनकी। 48-30 T दोस्तों 16 चक्का है इसका, हमने डंडा दबा दिया है और इसकी रह गई ट्यूब। दोस्तों अब ट्यूब खोल के इसके हम ट्यूब पे देंगे दाब, तो बने रहें वीडियो के साथ, देखते हैं इसमें कैसे दबाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूब खुलने में ही है और जो कि रकाबे एक दो रह गई हैं, और रकाबे रहने के बाद दोस्तों इसे ले जाएंगे हाइड्रोलिक प्रेस के पास और दबाएंगे दोस्तों वहां जाकर, क्योंकि दोस्तों इन ट्यूबों में दाब देनी ही पड़ती है, जैसे मर्जी हो जाए, नई गाड़ी हो जाए, कैसे भी हो, क्योंकि दोस्तों कंपनी से स्टैंडर्ड आती है। मैं हर बार वीडियो में बार बार इस बात को दोहराता हूँ, जिन भाइयों के पास एक दो दो गाड़ी है, अगर वो परेशान है इस चीज़ से कि गाड़ी हमारी टायर खा रही है और दबा रही है, बहुत दुखी हैं कि भाई नया चेसिस लिया है, नया ट्रक लिया है, उसमें कहां से कमी आ जाएगी, ट्यूब कहां से ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ट्यूब में दाब देनी पड़ती है इस चीज़ का, चाहे आप कंपनी में खुद जाके पता कर सकते हैं, तो कंपनी वाले भी खुद हमारे पास ही भेज देते हैं दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो अधिकतर हमारे पास तो बाहर बहन ये कंपनियाँ जो आते हैं आती रहती हैं इन कामों को अंजाम दिलवाने के लिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ट्यूब दोस्तों अब मुड़ गई तो क्या करोगे, ट्यूब नहीं डालोगे स्टैंडर्ड के लिए, उसमें दाब ही आती है दोस्तों। अधिकतर लोगों को पता होता है, कुछ भाइयों को नहीं पता होता। मैं उन भाइयों को बताना चाह रहा हूँ जिन्हें नहीं पता कि ट्यूब जो है उल्टी हो जाए तो उसमें दाब देनी ही पड़ती है हर हालत में। जिसे पता है वो तो अपना काम को अंजाम दिलवा लेता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसे तो पता ही है, क्योंकि वो क्योंकि जिन पर ज़्यादा गाड़ी होती है उनमें जानकारी हो जाती है। अब एक दो गाड़ी वाले को थोड़ा सा समस्या ये हो जाती है कि वो थोड़ा कन्फ्यूज़ रहता है, वो मतलब सो जगह की बातें सुन के वो थोड़ा दिमाग में उसका कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, कि मैं ये करूं। तो दोस्तों ट्यूब खुल चुकी है, अब ट्यूब जो है हाइड्रोलिक प्रेस पे लेके जाएंगे और उसमें फिर देंगे हम दाब।
तो दोस्तों ट्यूब जो है हमने दबा लिया है इसकी 48-30 की, और अब जो ट्यूब है हम दोस्तों करेंगे इसे असेंबल, जो कि आप देख सकते हैं कि वो ट्यूब जो है वो लेकर आ रहा है, और वही ट्यूब हमने दिया है दाब जो आपने वीडियो में देखा है दोस्तों। तो मैं आप सभी भाइयों से फिर दोबारा से वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि जो दूसरी गाड़ियाँ आई हैं, दो हो रही हैं, और जो कि दो गाड़ियाँ पहले आई थी, एक गाड़ी रह गई है, पाँच गाड़ियाँ कह रहे हैं मैंने खरीदी हैं, इसका मालिक खुद ही कह रहा है चीज़ को। तो दोस्तों अब उन गाड़ियों में भी हमने वही काम करा है जो पहले दो गाड़ियों में काम करा था, क्योंकि ट्यूब में दाब दी थी और इसमें भी हमने ट्यूब में दाब दी है। तो दोस्तों आप सब भी ये देख लें, जिन भाइयों के पास एक एक दो दो गाड़ी हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारी गाड़ी के जो टायर हैं वो ख़राब क्यों हो रहे हैं, एक साइड से क्यों घिस रहे हैं, वो घिसने की शिकायत दोस्तों यही हो सकती है कि आपकी जो ट्यूब है वो स्टैंडर्ड है और उसमें दाब नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी देना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप सभी भाइयों को पता लगना चाहिए, क्योंकि एक ज़रा सी गलती के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, जो कि मैं अभी पिछली मैंने वीडियो डाली है, अभी आप वो देखेंगे मैंने टर्बो वाली डाल रखी है, उसमें एक कहना ज़रा सा फॉल्ट काफ़ी नुकसान आपको दे सकता है दोस्तों। अब जो है दोस्तों वो जो ट्यूब है वो जो असेंबल कर रहे हैं, बाहर जाकर दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो 48-30 थी और जो 16 चक्की थी और लीलैंड कंपनी की भी जो आपने गाड़ी देखी थी, तो दोस्तों वो वाली गाड़ी और ये वाली गाड़ी दोनों गाड़ियों में दोस्तों हमने काम किया है, जो कि उसमें खाली डंडा दबाया गया, उसमें और कोई कमी नहीं निकली। कहने को अगर गाड़ी हमारे पास आ गई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें वो ट्यूब भी खोल लेंगे, वो भी खोल लेंगे, ये भी कर लेंगे, नहीं, जिसमें कमी है मैं शुरू से बताता हूँ, जहाँ कमी होती है वही चीज़ खोलते हैं हम। तो दोस्तों उसमें भी फॉल्ट था और इस गाड़ी में ट्यूब में और डंडे में दोनों में फॉल्ट था, जो कि हमने खोला और उस काम को हमने अंजाम दिया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी पूरी, भविष्य में दोस्तों आपको अगर ऐसी ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं कोई अलग सी वीडियो के लिए, गुड बाय दोस्तों। इंस्टाग्राम पर यार लाइक कर लेना यार, करते नहीं तुम तो।